हेलो गाइस, स्वागत है आपका नया स्वीट किचन में। हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनती है। लाइए आंगनबाड़ी मिल्क पाउडर से, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनने वाली है और इसका टेस्ट जो है बहुत ही यम्मी आता है। हम ये बना कर खिलाएंगे, वो आपकी तारीफों की पुल बांधते रहेंगे। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनती है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपीज को। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनती है। आप एक बार अगर जिसने ये खा ली तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि ये रेसिपी किस चीज गुलाब जामुन आपने किस चीज से बनाए हैं। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनते हैं। एक बार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आंगनबाड़ी मिल्क पाउडर से जामुन की रेसिपी। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनती है। मैंने यहाँ पर लिया है ये 1 कप मिल्क पाउडर, चम्मच सूजी, बारीक वाली सूजी है, और ये हम डाल देते हैं 2 चम्मच, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। इसमें जो है फैट कंटेंट थोड़ा कम होता है तो इसके लिए हम डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। घी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने जो घी को अच्छे से मिक्स कर लिया, इसके साथ इसमें डाल दिया बिल्कुल 1 चुटकी जितना, ये देख सकते हैं 1 चुटकी बिल्कुल बेकिंग सोडा, 1/4 स्पून में बेकिंग पाउडर डाला हमने। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको अच्छे से हम घी सब डो तैयार करना है। सिर्फ 2 चम्मच दूध में ही हमारा जो है वो डो बनकर तैयार है। आप इसकी जगह पानी के साथ भी बना सकते हैं। हमने इसकी जगह स्टिकी स्टिकी सा डो बनाकर तैयार किया है। ये देखिए इस तरीके से चिपचिपा सा डो बनाया है। आप उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। चलिए हम इसमें से थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लूँगी मैं, रेस्ट पर रख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिया है ये 2/3 पीस कर काजू बादाम और पिस्ता, तीनों चीज़ों मैंने अच्छे से पीस लिया है। मैं इसमें डाल दूँगी ये जो हमने पोर्शन लिया था, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मक्खन है इसको हम अच्छे मिक्स करेंगे। बीच में मैं इसकी स्टफिंग करने वाली हूँ। आप चाहे तो एक आपके पास किशमिश हो तो आप 1 किशमिश के बीच में लगा दीजिए। मैं इस तरीके से स्टफिंग कर रहे हैं, हलवाई स्टाइल बना रहे हैं हम, बिल्कुल जैसे हलवाई वाली होती है उस तरीके से। देखिए छोटी छोटी सी इस तरीके से बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन देंगे और इस तरीके से बॉल बना के तैयार करेंगे, चीनी बनाकर तैयार कर लेंगे हम। यहाँ पर लिया हमने 1 कप ये चीनी, 1 कप चीनी ली है और इसी में हम डाल लेंगे 1/2 कप पानी। मैं 1/2 कप से थोड़ा सा ऊपर पानी लिया है। चाशनी को हम अच्छे से बनने देंगे, हमारी जो चाशनी क्रिस्टलाइन ना हो उसके लिए हम डाल देते हैं इसमें थोड़े से नींबू का रस, इससे कोई खट्टा नहीं होगा। कुछ बूंदे मैंने नींबू का रस इसमें डाल, देख लेते हैं हम अपनी चाशनी को, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए चाशनी को हल्की सी इस तरीके से ठंडा होने के बाद, कुछ ठंडी करने के बाद आप इस तरीके से उंगली में लगाएंगे तो आपको जैसे तेल होता है ना चिपचिपा सा, इस तरीके से महसूस होगा। कोई तार नहीं बनाना है हमें, चाशनी में कोई तार नहीं बनाना है, चिपचिपी सी तार वाला, सॉरी चिपचिपी सी जैसे तेल महसूस होता है, इस तरह की चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। चलिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है, चाशनी को रखते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं अपने डो को, हम देख सकते हैं कितना सख्त सा हो गया है। डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल स्टिकी से था। हमें इस तरीके से पोर्शन लेंगे, थोड़ी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। हम इसके बीच में रखेंगे ये, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको गोल करके एक प्लेट ले लीजिए। इस तरीके से ये गोल अच्छे से गोल बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप इस तरीके से सारी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने एक बॉल बना लिया है, इस तरीके से हम सारी बनाकर तैयार करेंगे। एक बॉल इसके अंदर डालकर देख लेते हैं, फ्लेम आपको बिल्कुल लो ही रखनी है,
चलिए हम सारे हमारे ये देखिए हमारी इतने सारे गुलाब जामुन इसमें बनकर तैयार हुई है। चलिए हम ये सारे इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल। हम इसे एक एक करके डालना है, ही डालेंगे क्योंकि इनको खोलने के लिए स्पेस चाहिए। अच्छी खासी देख सकते हैं आप, इसको डबल हो चुकी है, देख सकते हैं हमने कितने छोटे छोटे से डाले तो ये खुलना शुरू हो गए हैं, कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया इसमें। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा, हमने जो पहले डाले थे उसमें कलर देखिए आप कितना प्यारा आया है। इनको अच्छे से पकने देंगे इस तरीके से, हल्का हल्का इस तरीके से ऑयल इसमें डालते रहिए। और डाल देंगे हम थोड़ी सी कुटी हुई इलायची, इसमें कलर भी डाल सकते हैं पर मैं कलर नहीं डाल रही इसमें, इस तरीके से ही रखूँ मैं चाशनी लेते अपने गुलाब जामुन को। देखिए हम थोड़े से पलट देंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हमारे गुलाब जामुन में, आप देख सकते हैं अच्छे से फूल कर तैयार हुई हैं। साइज जो है इसका डबल हो गया है। हम पहले बैच को निकाल सकते लेंगे, देखिए कितने अच्छे से हमारे गुलाब जामुन जो है बनकर तैयार हुए हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया इसमें। हमने डाल दें इसको इस तरीके से, और एक जो फ्लेम है वो थोड़े से आप उसको इसी लो ही रखिए, नहीं तो हाई फ्लेम पर जब हम गुलाब जामुन को पकाएंगे तो हमारे जो ऊपर की लेयर है वो तो ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से ये पक नहीं पाएगा। चलिए हम इसको पकने देंगे, गर्मा गर्म चाशनी में हम डाल देते हैं अपने गर्मा गर्म गुलाब जामुन। हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार है, ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है। चलिए हम निकाल लेते हैं इसको, इसको भी डाल देंगे अपनी चाशनी में, तो इस तरीके से चाशनी में डिबोने देंगे इनको, सही चाशनी पी लें। देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे से फूल कर तैयार हुए हमारे गुलाब जामुन। चलिए हम सर्व कर लेंगे। हम आपको एक तोड़ कर भी दिखा देंगे, हमने यहाँ पर एक बड़ा सा आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा इसका बनाया है, ये हमने बिल्कुल छोटू से बनाए हैं। हम इस तरह से काटेंगे, देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, अंदर से आप देख सकते हैं कितना जूसी बना है, ये देखिए वाव, आप देख सकते हैं कितना जूसी बनकर तैयार हुआ हमारा, हमें देख सकते हैं देखिए इस तरीके से कितना जूसी बना है। हर गुलाब जामुन ने अच्छे से रस पिया है, बहुत ही अमन टेस्टी बनते हैं, आप जरूर ट्राई करिएगा। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हम मेरी रेसिपीज़ को इंजॉय करिए। आप ऐसी नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल में जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताते रहिएगा कि मैं आपके लिए कौन कौन सी रेसिपी लेके आऊँ। और अब वाले हैं दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, तो आप उस पर ये जरूर बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमी लगेगी।